Hello everyone, I'm Surbhi Chandra and as promised, I'm here with my first chapter of class 6, Knowing Our Numbers. Bete, we will proceed further exercise by exercise. First of all, I'll make you clear all the important topics that will be there in the first exercise. Hamari pehli heading hai, comparing numbers. Comparing numbers means compare karna, tulna karna, do numbers ke beech mein ya char numbers ke beech mein. कि उसमें से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है. आपने इन चीजों के बारे में क्लास फोर्थ में भी पढ़ा है, क्लास फिफ्थ में भी पढ़ा है. एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज जो हमारा पहले का कोर्स होगा वो हम साइड बाय साइड रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि दैट इज द बेस ऑफ अ टॉपिक. इज दैट क्लियर? तो कंपेयरिंग नंबर्स में सपोज आई हैव गिवन यू टू नंबर्स, दिस इज 96. Then I have the second number. This is 108. Am I clear? अगर हमें numbers को compare करना है, पहले हम उस number को words में बोलेंगे. This is 96. This is 108. Right? जैसे पहले क्या होता था, जैसे suppose class 1 में हमें number दे दिया 96, और suppose जो छोटे बच्चे हैं उनको number दे दिया 98. उन बच्चों को words में बोलने में थोड़ी problem होती है, इसलिए वो डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करते हैं. नाउ वी आर नॉट दैट स्मॉल, वी नो हाउ टू सी. सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग डिजिट्स वी विल स्पीक इन वर्ड्स बिकॉज वी नो हाउ टू स्पीक. दिस इज 96 एंड दिस इज 108. अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 108. आई एम क्लियर? सपोज मेरे पास नंबर है, आई हैव गिवन यू टू नंबर्स, दिस इज 107 एंड दिस इज 2000. Yes or no? Now out of these two numbers, what two numbers, which number is bigger? 2005. Right? In comparing numbers, first thing is to compare two numbers. Sometimes or always we have, suppose I have given you four numbers. This is 97. Theek hai dear? This is 108. This is 2005. Right? Suppose I give you one number, 665. Am I clear? अब मैंने आपको ये चार नंबर्स दिए हैं, आपको इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर छांटना है. पहले हम क्या है इसको किसमें बोलेंगे? वर्ड्स में. क्या है ये? 97, 108, 2005, 665. Right? अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 2005. Right? और सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 97. इज दैट क्लियर? कंपेयरिंग नंबर्स में हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी पढ़ते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं. असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग. और असेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. एम आई क्लियर? यू हैव ऑल स्टडीड अबाउट इट. असेंडिंग ऑर्डर, सपोज आई वॉन्ट टू, दीज आर द फोर नंबर्स एंड आई वॉन्ट टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर. सबसे छोटा नंबर क्या हुआ हमारा? 97. राइट? उसके बाद क्या आएगा? 108. राइट? उसके बाद क्या आएगा? 665. राइट? उसके बाद क्या आएगा? 2005. ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल. एम आई क्लियर डियर? बिग टू स्मॉल में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है. अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा नंबर हुआ हमारा 2005. सो 2005 विल कम फर्स्ट. उसके बाद उससे छोटा क्या हुआ? 665. राइट? उससे छोटा क्या हुआ? 108. और उससे छोटा क्या हुआ? 97. एम आई क्लियर? तो पहले हमारी हेडिंग थी कंपेयरिंग क्वांटिटीज, दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल, वेयर I taught you how to compare two numbers, how to compare four numbers, how to arrange in ascending order and how to arrange in descending order. Right? Now my next topic is writing greatest number or smallest number
from the given digits. From the given digits. Writing greatest number and smallest number from the given digits. ये क्या चीज है? Suppose बेटे मैंने आपको तीन digits दी, 2, 5, 7. मुझे ये तीन digits use करके greatest number बनाना है. तो हम क्या करेंगे? अब इन तीनों में से सबसे बड़ी digit क्या होगी? 7. मुझे greatest three digit number बनाना है. तो what will I do? I will arrange the number in descending order. सबसे पहले क्या आएगा? 7. उसके बाद क्या आएगा? 5. उसके बाद क्या आएगा? 2. तो 752 मेरा क्या हो गया? Greatest number. जब हम greatest number बनाएंगे, we will not put commas in between. Am I clear? Smallest number में हम क्या लिखेंगे? We will write in ascending order. मतलब 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7. तो 257 is the smallest number. Suppose मैंने आपको एक और digit दी, थोड़ी और मैंने आपको digits दी, 2, 4, 0. अब मुझे इसमें से greatest number बनाना है. तो greatest number फिर से क्या बोला था? पहले हम बड़ा digit लिखेंगे. अब 2, 4, 0. इसमें से बड़ा digit क्या हो गया? 4. फिर उसके बाद 2. फिर उसके बाद 0. So 420 is my greatest number. Now there is a little twist. अब मुझे बनाना है smallest number. अब जब हम smallest number बनाते हैं, तो 0 always come at the second place. Am I clear? मतलब, पहले तो 0 से सबसे बड़ा number क्या हुआ? 2. 0 आ जाएगा second place में 0, and then क्या आएगा? 4. So 204 हमारा क्या हो गया? Smallest number. Am I right? Is it clear? So this is called writing greatest number or smallest number from the given digits. In detail, I'll tell you when we'll go with exercise. इसके बाद हमारा third topic है writing in words. Writing in words. I'll try to explain the whole thing again. That's why I have not rubbed. I'll make you revise each and everything whatever I have taught again. Writing in words mein, whenever we write in words, हमारे इस बार वैसे you have all studied in class 5 also, हमारे दो types के system होते हैं. एक हमारा होता है dear Indian system, right? और एक हमारा होता है international system. So when we write in words, we have two system, that is Indian system and international system. आपने Indian system के बारे में तो class 4 में ही पढ़ा है और class 5 में ही पढ़ा है. Indian system में हमारी जो places होती हैं, what are places? These are all places. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 crore. ये सब क्या होती हैं हमारी places? These are all called places. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh crore. ये सारी places किस system के अंदर आती हैं? Indian system में. Then we come to international system. We'll do the comparative study. International system में हमारी कौन-कौन सी places होती हैं? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000. मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. Am I clear or not? I think so. The lower part is not clear to you. I'll just rub the heading. I'm writing international system again over here. International
इंटरनेशनल सिस्टम की कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, देन वी हैव मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. लेट्स स्टडी टिल हंड्रेड मिलियन फर्स्ट. वी हैव स्टडीड अबाउट इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम इन क्लास फाइव ऑल्सो. इंडियन सिस्टम में हमारी कैटेगरीज हुई वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़. एंड डियर इंटरनेशनल सिस्टम में हमारी कैटेगरीज हुई और प्लेसेस हुई वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, बिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. इसके बाद आता है बिलियन. दैट आई विल आई टेल यू लेटर ऑन. हम पहले ये कंपेयर करेंगे. सपोज मैंने आपको नंबर लिखा. सपोज इफ आई राइट द नंबर फोर टू थ्री सिक्स फाइव सेवन जीरो. मैंने आपके पास ये नंबर लिखा. मैंने इसको बोला राइट दिस नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. हमेशा वो आपको बताएंगे कि आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है या आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. नाउ हाउ टू राइट इट. सी, जब भी हम पहले राइट इन वर्ड्स में लिखेंगे, वेन एवर वी राइट इन वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज स्पीक द प्लेसेस मेंटली, ताकि आपको पता हो कि आपको कहां से स्टार्ट करना है. लेट्स सी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख. अब उन्होंने इंडियन सिस्टम बोला तो हम इंडियन सिस्टम की प्लेसेस बोलेंगे, तो इसका मतलब हम लोग टेन लैख से स्टार्ट करेंगे. यस और नो? सी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख. तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? टेन लैख से. सो हाउ विल आई स्पीक? लेट्स से 42,36,570. एम आई क्लियर? 42,36,570. टू टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स. फर्स्ट यू हैव टू राइट इन वर्ड्स. फर्स्ट दे से टू पुट कॉमास एंड देन राइट द नंबर इन वर्ड्स. अभी तो मैंने आपको पहले बताया कि हमें इसको वर्ड्स में अगर सपोज लिखना है तो कैसे लिखेंगे. उसी तरीके से हम कॉमास पुट करेंगे. जस्ट सी, पहले हम प्लेसेस काउंट करते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. तो जहां आपकी थाउजेंड कैटेगरी खत्म हो रही है, थाउजेंड कैटेगरी आपकी सिक्स पे खत्म हो रही है, तो यहां पे आप क्या लगा दोगे? कॉमा. क्लियर? थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख. लैख कैटेगरी आपकी किस पे खत्म हो रही है? टू पे. तो यहां पे क्या लगा दोगे आप? कॉमा. जहां आपकी कैटेगरी या प्लेस खत्म होती है वहां आप क्या लगाते हैं? कॉमा. एम आई क्लियर? आई रिपीट वंस अगेन. अगर हमें वो कहते हैं द टू टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, राइट द नंबर इन वर्ड्स and also put commas in the given number, right? पहले मैं आपको बताती हूं commas कैसे put करते हैं. हम mentally बोलेंगे places, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh. Ones, tens, hundred, thousand, ten thousand. अब thousand यहां खत्म हो रहा है six पे, तो यहां हम क्या लगा देंगे? comma. Thousand, ten thousand, lakh, ten lakh. Lakh two पे खत्म हो रहा है, यहां हमने क्या लगा दिया? पहले हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद विल स्पीक इन वर्ड्स. टेन थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख. ये टेन लैख है तो कैसे बोलेंगे? 42,36,570. दिस इज आवर इंडियन सिस्टम. नाउ द क्वेश्चन कम्स, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम बाय पुटिंग कॉमास. सेम थिंग इन इंटरनेशनल सिस्टम. लेट स्टार्ट. पहले हम पुट करेंगे कॉमर्स. नाउ कॉमर्स, अब आपने एक चीज देखी होगी, जब हम इंडियन सिस्टम में कॉमर्स पुट करते हैं तो दो दो डिजिट्स के बाद कॉमर्स पुट होते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए कहां पुट होंगे. नाउ लेट स्टार्ट. पहली स्टेप क्या होता है? वी विल स्पीक द प्लेसेस. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड. हंड्रेड थाउजेंड के बाद क्या आया था? मिलियन. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड.
पहले आप ये देखिए कि हमारी जो 100 जो 1000 हमारी प्लेस है वो कहां खत्म हुई है, 6 पे, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉमा। अब आ क्लियर, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन किस पे खत्म हुआ है, 4 पे, तो यहां क्या आ गया, कॉमा। अब आ क्लियर, पहले हमने क्या पुट कर दिया, कॉमा। अब हम इसको बोलेंगे वर्ड्स में, कैसे बोलेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो इसका मतलब हमें मिलियन से स्टार्ट करना है, तो कैसे बोलेंगे, 4,236,570। Am I clear? आपने एक चीज और कंपेयर करी होगी, ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज करा, तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे, हम 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, और जब हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे, हम 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। Am I clear? So this was international system and this is Indian system. Am I clear to all? So in this exercise, we will study about comparing numbers. We will study about writing the number, the greatest number, the smallest number out of the given digits. We will study about Indian system and international system. I hope my each and everything, every explanation is clear with you all. Tomorrow I'll start my exercise and hope the exercise will also be clear to you all. Thank you. Bye.